ये खुफिया जो मैं कर रहा था, ये कल मुझे संकेत हुआ कि जब इन्होंने घर के आंगन में झगड़ा किया, और जो झगड़े का मियां बीवी में झगड़े तो होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस झगड़े की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें शंका तो मुझे वहीं पैदा हो गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। तो उसके बीच में मुझे कोई संकेत मिलता है और फिर मैं आता हूँ नीचे देखने के लिए कि क्या था एक्चुअली। और जब आके मैंने देखा तो यहाँ तो कुछ और ही मामला निकला उसके प्रति मैं जो जासूसी करने आया था। चलिए, आपने यहाँ देख तो लिया, अब आप मतलब इस जो आपने अपने आँखों से सबूत दिखाया, वो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब मेरा ये होगा कि महज अब जो अगली रस्म हमारे घर में जो खुशी की आने वाली है वो है गोद भराई की, मेरी पत्नी की है, तो उसको मैं खाली नहीं जाने दूंगा, उस पर अपना जो वार है वो निकाल के रखूंगा, अपने तीर जो हैं वो मेरे कमान से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चले मैं बुलाए एक्टर को, रंग लानी चाहिए। बहुत अच्छा किया, अगली बार तेरे को और कुछ चाहिए? अभी 400 के बाद 500 पे बैंक जो ए पूरा टेबल जितना केक भरा था। तुम क्रिएटिव आ जाओ फिर इसको खोलेंगे, तुम क्रिएटिव लोग सारे। रुको ना, अगर हो जाएगा आपको तो पहले स्टेशन पे आना चाहिए। नहीं सर, लाइक नहीं हो, बस 300 के बाद ही रखवा देता। हां, आराम से बनाते रहते तुमको एक एक करके। चलो अभी ये फेसबुक पे भी डलेगी फोटो। हाँ अभी तो फिलहाल भी डलेगी। हाँ ये तो इससे लो फोटो वैसी। तू चुप रहने के बजाय। On the count of three. You. What are you doing, Sushant? 300. हाँ 300 चलो। हाँ। अरे वीडियो। बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन, वो हमने तो ऐसे सोचा था कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, पर ये तो हमने 300 एपिसोड कर लिए, एक साल से भी ऊपर से। वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड इट हैज़ एनकरेज्ड अस अ लॉट। शो में इस मतलब इन 300 एपिसोड्स के दौरान कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी रही हो आपकी जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन वो यूजुअली ऑफ कैमरा होती है।
अभी एक हार्नेस पर हम लोग ने एक स्टंट किया था, उसमें वो शायद एडिट हो गया लेकिन वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। और ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, देयर हैव बीन सो मेनी मेमोरीज। हमारी पार्टी जो होने वाली है, पिछली पार्टी 200 पे हुई थी, वो भी बहुत अमेजिंग पार्टी थी। हम लोग ने एक दूसरे का एक अलग ही रूप देखा था, तो वो भी इट वॉज वेरी गुड। ओके, इन 300 एपिसोड में सुहासी कई सारे ट्रैक्स ऐसे आए हैं, तो आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा रहा? मेरा जो शुरू द वे वी स्टार्टेड द शो, वो मुझे बहुत अच्छे, द फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड्स मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल और वो एक मैच्योर्ड वुमेन और उसका एकदम वैसा वाला अ यंग बॉय एंड एकदम बिंदास एंड शी इज़ वेरी कंट्रोल्ड एंड वो जो बेसिक हमारा जो था, जो उसके बाद ऑफकोर्स विद द स्टोरी वी हैव टू चेंज हियर एंड देयर, तो वो मुझे 25 एपिसोड्स शुरू के बहुत अच्छे। 300 एपिसोड में सुहासी आई थिंक आप 8 या 10 बार तो दुल्हन ही बन चुकी है अब तक, 8 या 10 बार शादियाँ हो चुकी है, तो आप कितने एपिसोड और हैं, कितनी शादियाँ और बाकी वृद्धिका और साहिल? आई थिंक आई हैव टू स्टॉप काउंटिंग नाउ एंड आई होप यू नो, किसको ये मौका मिलता है कि एक शो में इतनी बार शादी करो। एक तो आपके पास एक लड़का ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है 18 साल, दैट्स ओनली इन फैंटसीज, और ऊपर से फिर देन यू गेट सो मैनी बॉयज ऑल्सो, सो मैनी मैन यू कैन गेट मैरिड टू, इट्स लाइक अ वैरायटी, कौन सी एज का चाहिए कौन सी एज का चाहिए वैसा वाला है मेरे साथ। हाँ जी, हमारी एक श्रुति एक कैरेक्टर आई हैं, तो वो अफकोर्स रिप्लेस होकर आई हैं, तो उनका भी बर्थडे था तो वो साथ लगे हाथ। हमारा ऐसा होता है 200 पे भी हमने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, डू रिमेंबर? तो और आज भी हमने श्रुति का बर्थडे सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच। 300 एपिसोड्स पूरे हो गए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, क्या करेंगे? जी, मन तो पहले कि टी शर्ट निकाल के, लेकिन बॉडी नहीं है, तो अभी के लिए सिर्फ जलेबी और रबड़ी खाऊंगा मैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, 300 एपिसोड मतलब हमने 16 महीने से शूटिंग की है एंड मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ खुश है, मेरे डैड खुश है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड सबने मेहनत की है, क्रेडिट गोज टू द कास्ट, क्रू, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल, एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद द शो, एंड आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही सुकून वाला दिन है। टाइप्स वी आर हैप्पी दैट वी कंप्लीटेड 300। हालांकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट अलग था, छोटा लड़का, बड़ी उम्र की औरत, ऐसा कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहें, और लेकिन लोग देख रहे हैं और अभी भूत प्रेत वाली भी चीज़ें देख रहे हैं। माई वॉइस मेमोरी वॉज आई वेंट इन अ डीप डिप्रेशन व्हाइल आई वॉज ऑन द शो, बिकॉज मुझे पता नहीं, मैं बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हो गया था, कंज्यूम्ड हो गया था, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था क्रिएटिवली। और हालांकि मैंने 2-3 बार लोगों को बोला भी, आई एम सॉरी अगर मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिल से नहीं निकल रहा। फिर मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि आप रोज़ की, लेकिन वो 6 महीने आपको शूटिंग करनी पड़ती है रोज़, रेगुलरली, एवरी टाइम। अगर फिल्म होता तो अगर आदमी एक दो महीने किसी को एक फिल्म को डेडिकेट कर सकता है, या तो वेब सीरीज है तो उसको पता है कि मेरा ऐसा कैरेक्टर है, मैं डेवलप करूँगा। लेकिन मुझे कहने के ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा था अच्छा, और आई थिंक इट्स नॉर्मल, हम सब इंसान हैं, एंड यू कैन हैव अमेजिंग डेज, सो व्हाई कांट यू हैव बैड डेज। तो मुझे ऐसा लग रहा था, और वो मेरा लोएस्ट फेस था लाइफ का, एंड हालांकि मैं आता था, मैं क्यूज़ लेता था सेट पर, मुझे मदद की ज़रूरत थी प्रोफेशनली फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, एंड मैंने पेपर्स भी डाल दिए थे। फिर मैंने ये सोचा कि यू नो, इट मेक्स मोर सेंस टू फाइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शो है, आपके साथ इतने लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, सो वाई नॉट। अंदर से वो होता है ना, यू ऑलवेज वॉन्ट ट्राई अ लिटल हार्डर। सो आई रिमेंबर दैट डे वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट वॉट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट टू डू, और अंदर से आवाज़ है कि यू नो वॉट, जस्ट डू इट, अपने लिए नहीं करना, सबके लिए कर। तो फिर करते आ रहा हूँ, एंड अभी लेके मैं थोड़ा डिटैच हो गया हूँ कैरेक्टर से, इन द सेंस दिल नहीं देता सीन्स को कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर घर ले गए, और अगर उस दिन आप बहुत गुस्से में सीन्स कर रहे हो, ये मैं घर पे भी करता था, फिर आई यूज़ टू टॉक रूडली, अगर मुझे पूरा दिन कहीं सीन में रोना था तो घर जाके मैं तबाह कर देता था आपको, अगर खुश था तो खुश था। तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है स्टोरी में, वो चैनल का प्रोटोकॉल है। और आई थिंक एवरी टीवी शो में हर एक इमोशंस तो आ ही जाते हैं, झगड़े, गुस्से, रोना धोना सब कुछ। तो हाँ, मैंने बस अभी ये सीख लिया है कि कैसे डिटैच करना चाहिए कैरेक्टर से, और घर नहीं ले जाना चाहिए उसे, तो आई एम बेटर नाउ। बेस्ट मेमोरी, बिकॉज यू हैड ऑल रोमांटिक सीन्स, स्टंट वंस बहुत किए हैं आपने शो में, तो कुछ वन मेमोरी दैट वाज
good for you? There are a lot actually, but I think I remember this. There are a few, but I'll mention a new one. There's this one instance where I think we were shooting a sequence outdoor, and there's a big section of the society who comes and questions our love story. कि कैसे पॉसिबल है कि तुम वो तुमसे उम्र में बड़ी है. हालांकि बड़ी अम्मा भी बार बार यही कहती थी कि वो तो उसकी उम्र में बड़ी है, ये कैसा चलेगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है. मैंने सिंपली कहा कि यार तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा लुकआउट है, यू नो, वो मेरा लुकआउट है. अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे उनके साथ ज़िंदगी बितानी, वो मेरा लुकआउट है. आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको मेरी फिक्र है, मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन वो मेरा लुकआउट है, मेरी ज़िंदगी है. मेरे बंद कमरे में क्या होता है कि आप झांक के देखने वाले हो? नहीं ना. तो ये मैंने डायलॉग्स के थ्रू सोसाइटी को कहा, सबको ये कहा कि इफ़ यू कैन डांस लाइक देयर इज़ नोबडी वॉचिंग, व्हाई नॉट फॉल इन लव लाइक देयर इज़ नो एज काउंटिंग. तो मुझे मौका दिया जी ने एक्चुअली ये सब डायलॉग्स और ये सब चीज़ें बोलने का. तो इट वॉज़ नाइस, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया कि हाँ, एक लड़का है 24 साल का साहिल जो दुनिया को बोल रहा है तुम लोग जाओ तेल लगाने ब्रो, क्योंकि मैं करता हूँ प्यार किसी से जो मुझसे उम्र में बड़ी है, और मैं देखता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल नहीं. तो अच्छा लगा किसी एक्सपीरियंस में. आई एम अ वेरी आइसोलेटेड गाय, आई प्रिफर बींग माई सेल्फ एंड आई डोंट पार्टी, आई डोंट गो टू क्लब्स. वंस इन अ वाइल आई गो, बट आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन इफ यू मीट मी अलग से, but I prefer being quiet and to myself and mostly to my character, and once I go back home I chill with my people and party much nahi hota. Okay, on screen babies hain, bacche hain, aur kaisi hoti hai bonding unke saath? Bahut achi, in fact main to bahut sad hu ki aaj Ved nahi hai yahan pe, kyunki wo mere jaisa hi hai, pagal and energetic hai, lekin wo chhota Virat hai jo dar gaya tha, humne cake ka kaata tha, wo rone lag gaya. बट आई थिंक एम बहुत ही अलग ही एनर्जी उन लोग की. एक बार सेट पे आ जाते हैं, इट्स लाइक वे जब भी आते हैं तो मेरे रूम में से झाँकता है, बोलते हैं भैया, हम लोग यार तू आ गया, अगर आपका दिन खराब भी जा रहा है तो दिन अच्छा हो जाएगा उनको देखकर. वैसा यू गाइज़ आर नॉट फैंस, यू गाइज़ आर फ्रेंड्स, और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मे बी आपका प्रोफेशन हमारे प्रोफेशन से और इंपॉर्टेंट हो या तो बहुत नोबल हो, तो मैं आपसे सब थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे शो को देखने के लिए, और हो सके तो आगे चल के भी देख लेना. हाँ, मैं चाहता हूँ कि भूत आए हमारे शो पर, लेकिन डरना नहीं, देखना, क्योंकि आई एम श्योर जल्दी ये ट्रैक खत्म हो जाएगा. थैंक यू करण. ओनली लास्ट